गाइस, मेरा नाम है रयान। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि हमारे स्टूडियो का काम कहाँ तक आया है। अभी यहाँ पे नीचे टाइल्स लगा दिए हैं, पेंटिंग का काम बाकी है और ऊपर लाइट्स का काम बाकी है और डोर्स वगैरह लगाना यहाँ पे बाकी रह गया है। एक और चीज आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि मेरे आर्मा का कलेक्शन दिखाने के लिए, तो आप में जो बहुत सारे लोगों ने ट्रैक्सेस का कलेक्शन देखकर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था कि यार मैंने इतने ढेर सारे ट्रैक्सेस के कार ऐसे कैसे खरीद लिए। तो गाइस चलो आज मैं आपको आर्मा का कलेक्शन दिखाऊंगा और साथ में मेरे पास जेएलबी का भी बहुत सारा कलेक्शन है, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा गाइस, ट्रैक्सेस की कार्स बहुत ज्यादा महंगी भी होती है और साथ में बहुत ज्यादा पावरफुल भी होती है। तो ये जो आर्मा की कार्स है ना गाइस, बिल्कुल ट्रैक्सेस जितनी ही महंगी होती है और ट्रैक्सेस जितनी ही पावरफुल भी होती है। उसके बाद नंबर आता है जेएलबी चीता आरसी कार्स का। यहां पर देखो मेरे पास तीन जेएलबी चीता की आरसी कार्स है। आज इनको ओपन करके इनकी प्राइसिंग मैं आपको बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि ये कार्स कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। साथ में देखो मेरे पास आर्मा की ग्रेनाइट है और आर्मा की क्रेटोन 6S BLX है, आर्मा की नोटोरियस 6X BLX है और सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा महंगी आर्मा की फायर टीम 6X BLX आरसी कार भी है। तो फटाफट से इनको अनबॉक्स करते हैं और इनको ट्रैक्सेस कार के साथ मैं आपको कंपेयर भी करके बताऊंगा। पहले ये जेएलबी चीता आरसी कार्स को मैं नीचे रख देता हूँ ताकि मैं आपको आर्मा कार्स एक एक ओपन करके दिखा सकूं। सबसे पहले आर्मा नोटोरियस आरसी कार को अनबॉक्स करते हैं गाइस। इसका प्राइस है 75,000 रुपीज। ये कार दो कलर्स में मिलती है, एक ब्लैक कलर, दूसरा है ये ब्लू कलर। तो एक बार मैं आपको बॉक्स का साइज भी दिखा देता हूँ। ये देखो यार, जितनी बड़ी कार्स होती है उससे भी ज्यादा बड़े बड़े इसके बॉक्सेस होते हैं। बॉक्स को यहाँ पे रख देता हूँ तो बॉक्स इस तरफ से ओपन कर लेते हैं। ये देखो गाइस, ये रही अपनी नोटोरियस आरसी कार, काफी ज्यादा बड़े साइज की कार है। तो यहाँ से भी इसको निकाल लेता हूँ। गाइस आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार जरूर से लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। ये इसके कुछ पार्ट्स मिलते हैं। ट्रैक्सेस के अंदर आपको ज्यादा पार्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं पर आर्मा वाले देखो यार बहुत सारी चीजें देते हैं। जैसे कि एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये इसका टूल है गाइस व्हील्स वगैरह ओपन करने के लिए और यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके की एलन कीज भी दी गई है और यहाँ पे एक और छोटा सा टूल है। ये इसके अंदर बहुत सारे स्टिकर्स दिए जाते हैं, इतने ढेर सारे पार्ट्स भी मिलते हैं इसके साथ। और अगर आप सिंगल बैटरी यूज करना चाहते हो तो वो भी यूज कर सकते हो ये पिन को यूज करके। यहाँ पे इसकी यूजर गाइड है। इसके साथ एक कमाल की चीज भी मिलती है, ये है इसका एक्स्ट्रा गियर। ये लगाने पर इसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है गाइस। ये आर्मा की कार्स भी काफी ज्यादा बड़े साइज की होती है। इसका साइज देखो यार कितना ज्यादा बड़ा है भाई साहब। ये कार के साथ एक बार बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया था, इसके ऊपर मेरा स्कूटर चढ़ गया था यार। यहां से देख सकते हो ये स्क्रैचेस उसी के ही है। तो इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये मेरा ओला का स्कूटर है, हाइपर मोड में इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती थी। तो मैं इसकी रेस करा रहा था नोटोरियस आरसी कार के साथ। शुरुआत से ही नोटोरियस आरसी कार काफी स्पीड से चल रही थी, मैं पूरी कोशिश कर रहा था ओला स्कूटर को फुल स्पीड में चलाने के लिए, फिर भी नोटोरियस आरसी कार बहुत ज्यादा आगे निकल गई थी। नोटोरियस आरसी कार के जो ब्रेक्स हैं बहुत ऑसम दिए गए थे, ये सडनली रुक जाती है ब्रेक लगाने के बाद और मेरा स्कूटर जो है नोटोरियस आरसी कार के ऊपर चढ़ गया था। तो इस वजह से यहाँ पे ये पूरा का पूरा व्हील जो है फट चुका था और सामने फेंडर के पास इतना बड़ा स्क्रैच लग चुका था। ये स्क्रैच मैंने अभी आपको दिखाया था, लकीली मेरे को तो कुछ नहीं हुआ था पर मेरे ओला स्कूटर को तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। पीछे का जो फुटरेस्ट होता है ये पूरा का पूरा टूट गया था। तो इसके जो व्हील्स है ये काफी ज्यादा महंगे होते हैं। इसका एक व्हील पता है 10,000 रुपीज में मिलता है। इतना भारी भरकम स्कूटर चढ़ने के बाद भी ये कार को कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ इसका पीछे का व्हील थोड़ा सा फट गया था। तो मैंने इसके व्हील्स चेंज करके इसके अंदर स्लेज हैमर वाले व्हील्स लगा दिए थे। टॉप स्पीड जो है 120 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। सस्पेंशन आपको दिखा देता हूं, काफी ज्यादा हेवी टाइप का सस्पेंशन इसके अंदर लगाया गया है। तो ये कार के साथ मुझे कौन सी कार की फाइट करानी चाहिए और कौन सी कार की रेस करानी चाहिए गाइस, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। अब अनबॉक्स करते हैं आर्मा फायर टीम आरसी कार को। ये कार का प्राइस पता है गाइस लगभग 1,00,000 रुपीज होता है। अगर आप इसके साथ बैटरीज भी खरीदो ना तकरीबन आपको 1,05,000 रुपीज में ये कार मिलेगी। ये कार बहुत ही ज्यादा रफ एंड टफ और इसके अंदर हैंड ब्रेक सिस्टम भी दिया गया है। फटाफट से बॉक्स को यहाँ से ओपन करते हैं। ये ओपन हो चुका है बॉक्स, यहाँ पे देख लो यार इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है भाई। ये कार अगर आप एक बार चला दो ना गाइस, आपको सच में बता रहा हूँ इतना ज्यादा
मजा आएगा कि भाई ये कार के अंदर जैसे ही हम लोग हैंड ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये कार बहुत अलग अलग तरीके के स्टंट भी कर सकती है। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ गाइस। ये देखो मैंने ओपन कर दिया, कार को निकाल लेते हैं यहाँ से। ये कार का साइज देखो गाइस इतना ज्यादा बड़ा होता है, मेरे को लग रहा है गाइस ट्रैक्सेस एक्स मैक्स की टक्कर की कार है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ ये कार के साथ मुझे कौन से कार की फाइट करानी चाहिए। इस तरह के सोल्जर्स भी देखने को मिलते हैं और इन सोल्जर्स के हाथ में मशीन गन्स भी दी गई है। एक बार रेस में फायर टीम ने ये सभी कार्स को हरा दिया था, फिर फाइनल में मैंने इसकी रेस जेल भी चीता कार के साथ लगाई थी। जेल भी चीता कार भी बहुत ज्यादा फास्टेस्ट आरसी कार है। फर्स्ट राउंड में तो यार जेल भी चीता ने फायर टीम को हरा दिया था, फिर सेकंड राउंड आते आते यहाँ पे गेम पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। सेकंड राउंड में आराम से फायर टीम ने हरा दिया था जेल भी चीता को, और थर्ड राउंड में भी हरा दिया था, पर फोर्थ राउंड में वापस से जेल भी चीता जीत गई थी रेस को। फिर मैंने इन दोनों के बीच में ऑफ रोड में भी रेस लगाया था, यहाँ पे भी यार फायर टीम ने बार बार जेल भी चीता आरसी कार को रेस में हरा दिया था। और इनके बीच में मैंने क्लाइंबिंग भी करा के देखी थी, क्लाइंबिंग में भी यार जेल भी चीता को फायर टीम ने हरा दिया था। फाइनल में ये दोनों कार्स के बीच में मैंने थगो फोर भी करा के देखा था। इन दोनों की पावर देखकर मैं खुद हैरान रह गया था, क्योंकि देखो यहाँ पे इतनी ज्यादा धूल मिट्टी उछल रही थी कि दोनों ही कार्स मेरे को बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। पर फाइनली यहाँ पे आर्मा फायर टीम आराम से हरा चुकी थी जेल भी चीता आरसी कार को। पर जेल भी चीता भी इसके ऊपर लगातार मिट्टी फेंक कर इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर फिर भी फायर टीम आरसी कार ने इसको हरा ही दिया था थगो फोर में भी और रेस में भी। तो दोस्तों अब मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ आर्मा क्रेटोन आरसी कार को। फटाफट से इसको यहाँ से अनबॉक्स कर देता हूँ मैं। इसका प्राइस है 75,000 रुपीज गाइस। अगर आप इसकी बैटरीज वगैरह भी खरीदते हो तो ये कार भी आपको 90,000 रुपीज के आसपास तक मिलेगी। यहाँ पे इसके कुछ पार्ट्स है, एक बार इसका सर्वो टूट गया था यार, मैंने इसका सर्वो भी चेंज कर दिया, ये पुराना वाला सर्वो है। इसकी टॉप स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। निकाल लेते हैं बॉक्स के अंदर से बाहर। ये कार स्लेच की टक्कर वाली कार मेरे को लगती है, तो एक बार इसका भी साइज दिखा देता हूँ। ये कार काफी ज्यादा बड़े साइज की है। इसके अंदर एक चीज मेरे को नहीं मिली थी जो कि मैंने रिसेंटली इसके ऊपर फिट कर रखा है, जैसे कि ये इसका व्हीली बार है। व्हीली बार इसके साथ मिलता नहीं है, मैंने सेपरेटली खरीद के यहाँ पे पीछे की तरफ फिट कर दिया है। ये व्हीली बार का प्राइस है 11,000 रुपीज। ये कवर हटा के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस मैंने इसको ओपन कर दिया है, यहाँ पे इसकी मोटर है, यहाँ पे इसका ईएसई है, इसके अंदर भी इस तरह का टी रॉड देखने को मिल जाता है। इसके अंदर भी दो दो बैटरीज लगानी पड़ती है कार को चलाने के लिए। अगर आप सिंगल बैटरी लगाते हो तो इसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर तक जाएगी, अगर डबल बैटरी लगाते हो तो गाइस तकरीबन 110 किलोमीटर तक इसकी टॉप स्पीड जा सकती है। ओवरऑल ये कार भी काफी ज्यादा सॉलिड है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। आर्मा क्रेटोन कितनी ज्यादा पावरफुल होती है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आर्मा का वेबसाइट है, इसके अंदर मॉन्स्टर बैटरी डालने के बाद इसकी स्पीड और इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये कार पानी के ऊपर दौड़ सकती है। यहाँ पे देखो पानी से भरे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पर ये पानी के ऊपर से बहुत आराम से निकल रही थी। सेम टेस्ट में आने वाले दिनों में आर्मा क्रेटोन के साथ करने वाला हूँ गाइस। ये है आर्मा की थोड़ी सस्ती वाली कार, इसका प्राइस पता है गाइस 46,000 रुपीज है। इसकी भी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। तो नाम है आर्मा ग्रेनाइट, इसके नाम की तरह ही गाइस ये कार बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। अब निकालते हैं कार को। ये कार मेरे को जेल भी चीता के साइज जितनी लग रही है। इस तरह का देखो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी मिलता है और साथ में बंपर भी दिया गया है, सामने की तरफ भी एंटी कोल्यूशन बंपर दिया गया है और ये बंपर बहुत ज्यादा सॉलिड भी है। रिसेंटली इसके भी व्हील्स चेंज कर दिए क्योंकि सामने का व्हील फट गया था, तो अभी यहाँ पे आपको सामने का व्हील थोड़ा सा छोटा और पीछे का व्हील काफी ज्यादा बड़े साइज का नजर आएगा। तो ये इसको मैंने ओपन कर दिया है, यहाँ पे इसकी मोटर है। एक अच्छी चीज इसके ऊपर दी गई है वो है इसका कूलिंग फैन। ये कार को आप जितनी भी स्पीड में चलोगे इसकी मोटर बिल्कुल भी ओवरहीट नहीं होती है, पर इसके अंदर सिंगल बैटरी आती है क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा छोटा दिया गया। आर्मा ग्रेनाइट कितनी ज्यादा पावरफुल है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसकी फाइट में इससे ज्यादा पावरफुल ऑफ रोड जितनी आरसी कार के साथ करा रहा था, यहाँ पे इतनी ज्यादा खतरनाक कीचड़ के अंदर भी आर्मा ग्रेनाइट ने इतनी ज्यादा पावरफुल जिम्नी को भी हरा दिया था। और ये कार इतनी कमाल की क्लाइंबिंग कर सकती है। उस वक्त देखो यार बहुत ज्यादा बरसात हो रही थी और ये जो मिट्टी का पहाड़ है पूरा का पूरा गीला हो चुका था, यहाँ पर बहुत ज्यादा फिसलन भी थी, फिर भी आर्मा ग्रेनाइट बहुत आराम से यहाँ पे क्लाइंब कर चुकी थी। अगर इसके प्लेस में कोई दूसरी कार होती तो यार यहाँ पे फिसल के नीचे आ जाती। अब मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ जेल बी J3 RC कार को। अगर आप इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप देख भी सकते हो। इसकी भी टॉप स्पीड
100 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। अब निकालते हैं जेएलबी J3RC कार को। देखो गाइस काफी ज्यादा सॉलिड और काफी ज्यादा बड़े साइज की ये कार है। इसके अंदर भी काफी हैवी साइज का सस्पेंशन दिया गया है। यहाँ पे एक चीता का लोगो भी देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका नाम है JLB J3 बोलकर। ये कार की सबसे स्पेशल चीज होती है इसका स्पॉइलर और पीछे की तरफ ये वाला व्हीली बार। अगर ये कार को मैं किसी कार के साथ कंपेयर करूंगा तो वो है आर्मा ग्रेनाइट। इसकी हाइट काफी ज्यादा बड़ी है पर लेंथ के मामले में JLB J3 इससे भी ज्यादा बड़े साइज की है। और व्हील्स की भी बात करूं तो गाइस देखो JLB J3 के व्हील्स इसके मुकाबले में काफी ज्यादा चौड़े हैं। व्हील्स थोड़े से पतले आपको नजर आ जाएंगे। बाकी दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम टू सेम है। आने वाले दिनों में इन दोनों के बीच में भी मैं जरूर से फाइट आपको करा के बताऊंगा। तो ये है मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट JLB चीता RC कार। आप में से बहुत सारे लोगों को ये कार बहुत ज्यादा पसंद है यार, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा फास्टेस्ट RC कार है और इसका प्राइस भी आर्मा और ट्रैक्सेस के कार्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम होता है। ये इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। यहां से इसको निकाल लेते हैं बाहर। ये देखो गाइस JLB J3 की जितनी भी कार्स होती है उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा सॉलिड होती है ट्रैक्सेस और आर्मा कार्स के जैसे। इसके व्हील्स काफी हैवी साइज के हैं। इसके व्हील्स इतने ज्यादा मजबूत इतने ज्यादा टफ थे कि इसकी फाइट मैं JLB जीता एक्सट्रीम के साथ करा रहा था। JLB जीता एक्सट्रीम के साथ लगे थे ट्रैक्टर वाले व्हील्स। देखो दोनों के बीच में सबोफोर कराने में JLB जीता एक्सट्रीम के व्हील्स फट गए थे यार। इसके व्हील्स भी काफी ज्यादा मजबूत थे पर देखो इसका फोम पूरा का पूरा बाहर की तरफ निकल के आ चुका था। जब मैंने JLB जीता एक्सट्रीम को चला के देखा तो यार ये कार इस तरह से चल रही थी। पर अपनी जो पुरानी वाली JLB जीता थी इसके व्हील्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था यार। JLB J3 के साइड में रख के बताऊं तो गाइस देखो दोनों कार्स बिल्कुल सेम टू सेम ही नजर आ रही है। दोनों के व्हील्स में थोड़ा सा डिफरेंस मेरे को लग रहा है। बाकी इसकी बॉडी देखो यार पूरी की पूरी अभी टूटने लगी है, क्योंकि ये कार को मैं तकरीबन 2 साल से यूज कर रहा हूं गाइस। आज भी ये कार बहुत परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। अब अनबॉक्स करते हैं JLB एक्सट्रीम RC कार को। ये कार JLB चीता जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती है गाइस, क्योंकि इसका लुक काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये बॉक्स को मैंने खोल दिया है। इसका भी प्राइस लगभग 45,000 रुपीज है गाइस। JLB की आप कोई भी कार ले लो उसका प्राइस आपको 45,000 से 48,000 रुपीज के आसपास में मिलेगा। ये कार का लुक दूसरे दो JLB चीता RC कार से उनके मुकाबले में काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि पीछे की तरफ इसके अंदर सिंगल व्हीली बार दिया गया है। बाकी व्हील्स अगर आप देखोगे तो बिल्कुल JLB J3 जैसे ही दिए गए हैं। इस तरह की जो फिनिशिंग है बहुत कमाल की मेरे को लगती है गाइस। यहाँ पे देखो एक चीता दौड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये JLB चीता की RC कार है। यहाँ पे भी आपको एक चीता नजर आ जाएगा। तो ये रख दिए मैंने तीनों JLB चीता RC कार्स को साइड बाय साइड। तीनों में से गाइस ये कार इन दोनों के मुकाबले में थोड़ी सी छोटी मेरे को लग रही है, क्योंकि पीछे की तरफ सिंगल व्हीली बार है और ऊपर स्पॉइलर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों के जैसे ही। ये JLB चीता एक्सट्रीम नेक्स्ट लेवल के स्टंट्स कर सकती है, जैसे कि चलते चलते ये बैक फ्लिप लगा सकती है। इस तरह का जो स्टंट है ना यार दूसरी कार बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, और मैंने बिल्कुल भी कोई दूसरी कार को इतना नेक्स्ट लेवल का स्टंट करते हुए नहीं देखा। और इसके व्हील्स इतने ज्यादा तगड़े होते हैं कि गाइस देखो हाई स्पीड में इसके व्हील्स इससे 2 गुना ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो ये सभी आर्मा कार्स को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ गाइस आपको ये सभी आर्मा कार्स में से कौन सी आर्मा कार सबसे ज्यादा सॉलिड लग रही है। मेरे को बताऊं तो गाइस मेरे को ये वाली कार लग रही है, क्योंकि यार इसका साइज ये दोनों कार्स के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़ा है और ये कार बहुत ज्यादा महंगी भी है। और आप मुझे ये भी बताओ गाइस इन सब में से किसकी फाइट कौन सी कार के साथ करानी चाहिए। आने वाले दिनों में मैं और भी बहुत सारी आर्मा की कार्स और JLB की कार्स खरीदने वाला हूं। तो चलो गाइस अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम है विनय, सुशांत, निशांत, ऋतिक, कृष्णा, सतवीर, महराज, अदनान, मोनिक, इमरान। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।